तबाह हो जा। आज प्रदर्शन किया महिला मोर्चा ने, अच्छी बात है, आपको प्रदर्शन करना चाहिए। अगर यूपी में बलात्कार की इतनी घटनाएं, 36 घंटों में 5 रेप की जघन्य घटनाएं हमारे सामने है, बाकी बहुत सारे ऐसे आंकड़े, ऐसी खबरें हैं जो अभी नहीं आई, लेकिन कुछ तस्वीरें शोभा ओझा हमने देखी, उन तस्वीरों में, तस्वीर स्क्रीन पर है, जो महिला मोर्चा में बहुत सारी महिलाएँ थीं, लग रहा था कि एक पिकनिक की तरह उस मोर्चे में गई थी, मुस्कुरा रही हैं, ठहाके लगा रही हैं, उसके बाद नारेबाजी कर रही हैं, फिर तो जो पूरा बॉडी लैंग्वेज था शोभा ओझा जी, माफ़ करिए, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहा हूँ, उसमें कहीं ये गंभीरता, महिला हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो गंभीरता नहीं दिख रही थी शोभा ओझा। लग रहा है राजनीति हो रही है, चूंकि एक मौका है अखिलेश यादव, नहीं ऐसा नहीं है, पूरी गंभीरता के साथ महिला कांग्रेस रेप के केसेस को उठाती है और महिला कांग्रेस का जीरो टॉलरेंस है। रेप केसेस पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, कोई एकमात्र संगठन उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो है महिला कांग्रेस। और आज अखिलेश यादव जी को हम ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई, यूपी भवन में जाके रेजिडेंशियल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया और साफ तौर पे अखिलेश सरकार को ललकारा गया कि अगर उन्होंने आने वाले दिनों में महिला अत्याचार को लेकर सख्त नहीं हुए और कमी नहीं आई तो यूपी में सड़कों पे उतर के महिला कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ेगी। महिला कांग्रेस जहां तक बहुत संवेदनशील है महिला अत्याचार को लेके, रेप केसेस को लेके, और हमने चाहे बदायूं हो चाहे किसी और जिले में ऐसा हुआ हो, हर जगह हमारी महिला कांग्रेस की यूनिट ने जाके पीड़िता से चर्चा करी, उनके घर वालों से चर्चा करी और जो दोषी है उसको पकड़ने के शासन प्रशासन पे जोर डाला। ये कहना कि महिला कांग्रेस असंवेदनशील है, नहीं, मैं कर रहा हूं, मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं शोभा ओझा, अगर आपके आसपास वहां टीवी है आप तस्वीरें देखिए कि जिस ढंग से प्रदर्शन के पहले और बाद में वहां महिलाएं जो जिस ढंग से मुस्कुरा रही हैं, ठहाके लगा रही हैं, कुछ तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई हैं। मुझे सिर्फ लगता है कि इससे लगता है कि एक औपचारिकता का निर्वाह करते हैं, चूंकि अखिलेश यादव को घेरना है इसलिए हम गए, सबके हाथ में झंडे बैनर है, नारा लगा लिया, मुठियां ऐसे तन गई और फिर उसके बाद हंसते मुस्कुराते हुए उसके पहले और उसके बाद ठहाके लगाते हुए घर आ गए। ये तस्वीरें गवाह हैं शोभा ओझा, ये मुझे विचलित कर रही है तस्वीरें। नहीं इसमें नहीं नहीं बिल्कुल ये मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। जिस तरह से प्रदर्शन के पहले आधा घंटे पहले महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो आप क्या समझ रहे हैं आधा घंटे पहले जब प्रदर्शन के महिलाएं इकट्ठी होंगी तो क्या आपस में बात नहीं करेंगी या आपस में चुपचाप खड़ी रहेंगी? ऐसा नहीं होता। जब प्रदर्शन होता है पूरी सीरियसनेस के साथ होता है और पूरी संवेदनशीलता के साथ होता है। अगर 47 डिग्री में दिल्ली में इतनी गर्मी में अगर महिलाएं घर से निकल के आई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं, अपना विरोध दर्ज करा रही हैं, तो वो अति संवेदनशील हैं, कहीं उन पे प्रश्न चिन्ह उनकी संवेदनशीलता पे नहीं लग सकता। चलिए अच्छी बात है शोभा ओझा, संवेदनशीलता होनी चाहिए क्योंकि इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता शोभा जी कि महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार हो, बलात्कार की घटनाएं हो, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। अच्छी बात है कि राजनीति कम और इस बात पर इस दिशा में हो कि किस ढंग से रेप की वारदातें, घटनाएं रुकी।